नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो है एजियो कंपनी की तरफ से मुजी कंपनी का एक शर्ट है। तो इस प्रकार का आप हमारा शर्ट है ये देख सकते हैं, ये कॉटन शर्ट है और ये स्टेंट कॉलर शर्ट है, यानी ये मैंडरिन कॉलर शर्ट है। तो मुजी कंपनी के बहुत सारे शर्ट का मैंने रिव्यू किया है, वो लिलेन वाले थे। लिलेन वाले मैंने कॉलर और बिना कॉलर वाले शर्ट का रिव्यू किया है। तो ये वाला जो है ये कॉटन शर्ट है, तो यहाँ आप इसका देख सकते हैं टैग स्टैंड कॉलर शर्ट। तो इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं 1,990 रुपये है। ये आपको 200-300 रुपये डिस्काउंट में जो है एजियो पर मिल जाएगा। मुजी कंपनी का एजियो में ही मिलता है, मिंत्रा में नहीं मिलता है। ये ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया हुआ है और मुजी कंपनी का कॉटन वाला शर्ट जो है या लिलेन वाले शर्ट जो है बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इस पे बहुत सारा डिटेल्स जो है इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, और जो कुछ था वो जापानीज भाषा में हांगकांग वाले इसमें वीडियो में आपको हमें मिला, तो वहाँ से ये देखा। तो इसका स्टाइल जो है बहुत ही पसंद आया, ढीला ढाला लुक, H&M वाला जो है स्टाइल है। H&M में आपने देखा होगा मिंत्रा में कि ढीले ढाले कैसे शर्ट सब रहते हैं, तो उसी तरह का ये शर्ट है। तो थोड़ा मोटा है, लिनन वाले इसके बहुत पतले हैं, तो ये कॉटन है। लेकिन जो हम लोग साधारणतः जो शर्ट पहनते हैं उससे ये थोड़ा सा मोटा है। और कलर देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रे खूबसूरत कलर है। ये मैंने एम साइज में मंगाया है, तो यहाँ पर कंपनी का वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं, देखते हैं कहीं भीतर लिखा हुआ हो। तो इसका जो लुक रहता है ये थोड़ा ढीला डाला रहता है, और ये तो सफारी सूट जैसा टाइप का लग रहा है। तो कहीं ऐसे प्रिंट नहीं है, कंपनी वाला लोगो कहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें। दूसरे में वहाँ कॉलर के नीचे जो है लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ वैसा तो दिख नहीं रहा है। हाँ, साइड में आपको, हाँ मिल गया, यहाँ एम साइज लिखा हुआ है और जो है 100% कॉटन मेड इन वियतनाम। ये मेड इन वियतनाम शर्ट है, 100% कॉटन है मेड इन। मुजी यूएसए लिमिटेड, muji.com, और यहाँ पर जापानीज भाषा या चाइनीज भाषा में जो है कुछ लिखा हुआ है। बटन जो है वही सेम कलर के हैं, और लिलेन वाले शर्ट में जो है इनका कॉन्ट्रास्ट कलर वाला था। और हाथ का साइज यहाँ थोड़ा सा ढीला डाला रहता है, तो ये भी बॉक्सी शर्ट टाइप का डिजाइन रहता है। तो इसको चलिए पहन के देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये शर्ट, ये चाइनीज कलर शर्ट है। यहाँ पर भी ये ढीला है, बॉक्सी शर्ट जैसा ही डिजाइन है, थोड़ा सा उससे खाली हल्का सा टाइट है, फिर भी ये अलग तरह का लुक देता है आपको। नॉर्मल शर्ट से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढीला ढाला महसूस होगा, और नॉर्मल शर्ट से इसका कपड़ा भी जो है ये मोटा है। इसके लेलन वाले कपड़े मैंने पहले बताया कि बहुत ही पतला है, और ये थोड़ा सा हल्का सा आपको मोटा मोटा लगेगा। तो गर्मी में जो है रात में भी पहना जा सकता है, और हल्के बारिश के दिनों में भी ये बहुत ही पहनने में आपको अच्छा लगेगा। 100% कॉटन है और कपड़ा बहुत ही स्मूथ है, और ये भी लिलन टाइप का टेक्सचर है इसमें। आप देख सकते हैं हल्का टेक्सचर लगेगा, टेक्सचर जैसा है। तो बहुत ही टेक्सचर वाले कपड़े जो हैं बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं और थोड़े महंगे लगते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक। मुझे इस कंपनी के जो है शर्ट बहुत ही मस्त लग रहे हैं, इसके लिलन शर्ट तो वाकई शानदार ही हैं। अभी तक मैंने बहुत सारी कंपनी का लिलन शर्ट, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन और यूएस पोलो और भी बहुत सारे मिंत्रा के जो लोकल ब्रांड है मस्तन हार्बर, सबका यूज किया, 60-40% वाले भी यूज किया, लेकिन इनका जो है बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है लिनन का है, और इसके कॉटन भी अलग ही तरह के हैं, और इनका बॉक्सी शर्ट भी बहुत अच्छा है टी शर्ट के ऊपर पहनने के लिए। तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, इनका लगभग 5 शर्ट का मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ होगा, 5 तरह के। ये कॉटन शर्ट किया है, एक बॉक्सी शर्ट किया है, और 3 प्रकार के जो है लिलेन शर्ट है, उनमें से एक चाइनीज कॉलर वाला भी मिल जाएगा आपको, और नॉर्मल जो है कॉलर वाला भी मिल जाएगा। तो दिया गया लिंक पर आप इसको परचेज कर सकते हैं एजियो से, मिंत्रा पे ये नहीं मिलता है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से हम किसी एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।